हेलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू आई एफ एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम एज यू ऑल कैन सी दैट टुडे आर टॉपिक वॉन बी हाउ टू रिवाइज क्वांटम मैकेनिक्स इन थर्टी डेज तो एज यू ऑल नो दैट सी एस आर एग्जामिनेशन इज जस्ट ऑन द डॉर स्टेप तो कुछ ही दिनों में हमारा एग्जाम होने वाला है तो सारे बच्चे शायद प्रिपरेशन बहुत ही दम के साथ मन ला के प्रपरेशन कर रहे हैं तो सबके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि सर क्वांटम मैकेनिक्स एक तो सब्जेक्ट इतना बड़ा है बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर अगर चैप्टर को गिनना शुरू करो तो चौदह चैप्टर है टोटल फोर्टीन चैप्टर्स थर्टीन टू फोर्टीन अब डिपेंड करते हैं कौन कैसे चैप्टर्स को गिन रहे हैं बट अगर हम लोग थोड़ा सा अगर कोशिश करें चैप्टर्स को लिखने की तो द काइंड ऑफ चैप्टर्स दैट वी कैन सी फर्स्ट थिंग इज द लीनियर एल फर्स्ट वन इज Linear algebra. Second one, postulates of quantum mechanics. Postulates of quantum mechanics. Third one is 1D potential. 1D potential. Second, uh, fourth one is angular momentum. Angular momentum both orbital and spin fifth one is pd potential pd potential which includes both the cartesian coordinate system and spherical polar coordinate system cartesian coordinate system may harmonic oscillator in one uh, in two dimension three dimension infinite potential well in two dimension three dimension and in spherical polar coordinate system you have infinite spherical potential well you have direct delta spherical potential well you have hydrogen atom all these things are there then chapter 6 which is identical particle identical particle particles similarly in chapter 7 we can see chapter 7 we can see time independent perturbation theory chapter 8 time dependent perturbation theory chapter 9 variational principle your variational method your variational method or principle whatever you call it chapter 10 says jwkb approximation jwkb approximation chapter 11 so time independent perturbation theory time dependent perturbation theory variational method jwkb approximation then scattering And chapter 12 is my relativistic quantum. And chapter 13 is addition of angular momentum. Addition of angular momentum. so ऑल टोटल देर आर ऑल दिस 13 चैप्टर्स एंड ऑल दिस चैप्टर्स आर वेरी 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 important. मैं बता नहीं सकता कि कौन से चैप्टर को छोड़ो और कौन से चैप्टर को पढ़ो क्योंकि सी एस आर का अगर गेट होता तो मैं बोल सकता था कि इन सब चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है मोस्टली एडिशन ऑफ एंग्लोमोमेंटम ज्यादातर केस में देखा गया कि गेट वाले नहीं पूछते हैं बट इस बार पूछ लिया है जैसे कि वेरिएशनल मेथड्स बोलो या जे डब्ल्यू के वी बोलो या रिलेटिविस्टी क्वान्टम मकेनिक्स बोलो या स्कैटरिंग बोलो मोस्टली गेट में आने के चांसेस काफ़ी कम है वैसे टाइम डिपेंडेंट पार्टिपेशन थ्योरम काफी चांसेस कम है यूजुअली टाइम इंडिपेंडेंट थियोर थ्योरम वगैरह इसके ऊपर इसके ऊपर गेट वाले क्वेश्चन पूछते हैं बट वैन इट कम्स टू सी एस एंड नेट ऐसा एक भी ईयर नहीं है जहां पर इन लोगों ने अच्छे अच्छे जगह से क्वेश्चन नहीं दिया हर ना हर एक ईयर में किसी ना किसी पोर्शन से उन लोगों ने क्वेश्चन उठा के रखे हैं अब अगर तुम्हें रिवीजन करना है सब्जेक्ट का तो तुम मैं सबसे यह चीज बोलूंगा कि रिविजन आसान तब हो जाएगा जब जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स में बहुत ज्यादा वैरायटी है उन चैप्टर्स को पहले उठाओ और उनको पहले खत्म करो ऐसे मत सोचो कि सर ये चैप्टर पहले आता है तो इससे पहले इस चैप्टर को कैसे पढ़ सकूं ये चैप्टर तुमने एक बार पढ़ लिया है तुम्हें पता है सिनेरियो क्या है तो तुम सिर्फ चैप्टर को उठाओ उसको रिविजन करो उसके जो सारे सारे इंपॉर्टेंट फार्मुलस है उसको एक पेज पर लिखो उस फॉर्मुलस को याद करने की कोशिश करो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मोस्टली जब मैंने देखा है एंगुलर मोमेंटम बच्चे पढ़ते हैं तब तो वहाँ एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेशन रिलेशन जो होते हैं एंगुलर मोमेंटम के जो तुम्हारे रोटेशन ऑपरेटर्स होते हैं रोटेशन ऑपरेटर्स के एक्सप्रेशन नहीं पता अगर मान लो रोटेशन ऑपरेटर एक पर्टिकुलर एंगल में घुमा रहा है स्टेट को सपोज थीट एंगल में घुमा रहा है तो उसके लिए रोटेशन ऑपरेटर क्या होगा ये नहीं पता अगर मान लो तुम रोटेशन करा रहे हो स्पिन स्टेट का

उसको भी तुम इस वे में लिख सकते हो सो so, ये जो सारे हैं ये फॉर्मुल जब तक तुम एक जगह पे नहीं लिखोगे इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीजें नहीं आ सकता फिर हाइड्रोजन एटम के लिए वन बाय आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन फॉर एन एथ स्टेट वन बाय आर का एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन आर का एक्सपेक्टेशन एन एथ स्टेट के लिए ये सब चीजों का एक्सपेक्टेशन तुम लोग को पता होने चाहिए कि पता ऐसा कुछ आ ही सकता है कि मान लो इसके साथ कोई एक टर्म ऐड करके इसको एज अ पार्टिबिशन दे दिया अगर पार्टिबिशन दे दिया है और ऑर्डर करेक्शन निकालने के लिए बोला है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू तुम्हें तो निकालना पड़ेगा और वो किसी भी स्टेट के लिए बोल दे तो तुम्हें एन के लिए अगर तुम जनरल स्टेट के लिए इसका फॉर्मुला याद कर लो तो डेफिनेटली तुम उसके लिए भी पार्टीबिशन निकाल सकते हो तो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कम अब फिर मैंने देखा है कि मान लो अगर हार्मोनिकॉन्सलेटर एल एच ओ के लिए अगर तुम लोगों ने उसने बोल दिया है कि अल्फा एक्स टू दी पॉल ऑफ फोर इज योर तो मैंने हमेशा देखा है बच्चों को कि सर टू ऑफ ये एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए जान मतलब उन लोगों का जान बहुत छूट जाता है मोस्टली इसका एक्सपेक्टेशन होता है एच काट टू एम ओमेगा स्क्वायर इस चीज का एंड देन सिक्स एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस थ्री

यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दो यहाँ पे लिखो सामिशन ओवर एम यहां पे लिख सकते हैं एम एम इसका मतलब मोस्टली कुछ चीजें हैं अगर मान लो एग्जाम हॉल में नहीं आया तो उस चीज़ को करने के लिए तुम्हारे पास वो चीजें होने चाहिए उसको करने के लिए तुम्हारे पास एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ तुम्हें होना चाहिए वरना तुम वो कर नहीं सकते जैसे कि मान लीजिए इसके लिए कर रहा हूं तो इसके ऊपर मुझे क्या इसके अंदर डालना है एक क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करना है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है एम एम को यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चीज है ये एक आ जाएगा। फिर यहाँ, पे X यहाँ पे क्या M X N आ रहा है भाई एम एक्स स्क्वायर एन आ रहा है अब इस चीज को मैं ज्वाइंटली क्या लिख सकता हूँ इस चीज को मैं ज्वाइंटली क्या लिख सकता हूँ एम या इसको अगर लिखना चाहो तो तुम एन लिख सकते हो एम लिख सकते हो एम एक्स चीज़ का मॉड ऑपरेट उपर उपर करता है क्या देता है, सर, का मतलब पता है मुझे एच काट डिवाइडेड बाई टू एम ओमेगा दिस थिंग एक्चुअली कम्स एंड देन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू इन टू एन प्लस वन ये आता है अब ये जब ऑपरेट करेगा तुम्हारे एन के ऊपर ये जब तुम्हारा एन के ऊपर ऑपरेट करता है तो क्या देता है ये तुम्हारा के ऊपर ऑपरेट करता है है तो क्या देता पे देखो, ये अगर के ऊपर ऑपरेट ऑपरेट करेगा तो क्या देगा? रूट एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू रूट एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू कैट एन प्लस टूट वेरी गुड प्लस ए ऑपरेट करेगा तो पहले तो रूट एन इंटू एन माइनस वन देन रूट ओवर ऑफ एन इन टू एन माइनस वन इंटू कैट एन माइनस वन फिर प्लस यहां पे अगर तू करने जाएगा तो टू एन प्लस वन एन ये चीज आ जाता है भाई और बाहर में जैसे एच कट डिवाइडेड बाई टू एम ओमेगा था वैसे रहेगा अब यहां पे देखो यहां पे तुम्हारे उसके बाद एम के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लेना है तुम्हें यहाँ पे एम के साथ उसका क्या लेना है भाई इनर प्रोडक्ट लेना है अब अगर मान ले तू इनर प्रोडक्ट ले रहा है अगर तू इनर प्रोडक्ट ले रहा है तो ये एम के ऊपर समेशन हो रहा है तो कौन से कौन से एम सर्वाइव करेगा सर एम जब एन प्लस टू होगा तो ये वाला सर्वाइव करेगा M जब N minus होगा तो ये वाला survive करेगा M जब मेरा एन होगा तो ये वाला सर्वाइव करेगा तो बताओ क्या आ रहा है सिनेरियो सपोज जब तो ये definitely ये डेफिनेटली मेरा क्या आ जाएगा अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ये वाला जो टर्म समेशन ओवर एम यहाँ पे सर मेरा एम है एक्स स्क्वायर एन है इस चीज का मोट स्क्वायर

प्लस यहाँ पे लास्ट वाला टर्म टू आ रहा है प्लस यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन प्लस यहाँ पे क्या है? N आ रहा है आ रहा है ठीक है एंड दिस थिंग मल्टीप्लाइड का डिवाइडेड बाई टू एम ओमेगा का स्क्वायर ये सिनेरियो आ रहा है यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे देख ले यहाँ पे जैसे कि एन स्क्वायर है प्लस एन है फोर एन स्क्वायर है तो सिक्स एन स्क्वायर आ गया यहाँ पे थ्री एन है यहाँ पे फिर मेरा फोर एन है और कहीं पे अच्छा थ्री एन फोर एन देर शुड बी एन इन टू एन माइनस वन था एन इन टू एन माइनस वन ये एन इन टू एन माइनस वन फिर देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन होगा वेरी गुड एन स्क्वायर माइनस एन एन स्क्वायर माइनस एन है तो यहाँ पे देखो थ्री एन माइनस एन मतलब यहाँ पे ये टू है वहां पे वन है तो थ्री दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई एच का डिवाइडेड बाई टू एम ओमेगा का होल स्क्वायर तो ये जो मैंने प्रूव कर दिया है यहाँ पे देख तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था एच का डिवाइडेड बाई टू ओमेगा स्क्वायर सिक्स एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस थ्री यहाँ पे भी मेरा आया है एच का डिवाइडेड बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर सिक्स एन स्क्वायर प्लस थ्री तो यूजली अगर मान लो तुम्हें पूछा गया है कि सर हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर एनएथ स्टेट में है

तो वो क्या होता है उससे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है तो और वो टाइम तुम कहाँ लगा सकते हो जो जो क्वेश्चंस मान लो थोड़ा बहुत पहचान के नहीं है मतलब टाइप्स पहचान के नहीं है तुम्हें थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा देखना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं लेंदी हो उसके ऊपर तुम्हें टाइम देना पड़ेगा तो तुम वो टाइम को वहां पर यूज कर सकते हो नाउ गेटिंग बैक टू आर गेटिंग बैक टू आवर दिस डिस्कशन मोस्टली मैं जो इस बार के से के लिए तुम्हें बोलूंगा दैट इज यहां पे सबसे पहले अगर रिविजन करना है तो जो बड़े बड़े चैप्टर है जैसे कि वन डी पोटेंशियल वन डी पोटेंशियल में तो देख डेल्टा पोटेंशियल हो गया इनफाइन पोटेंशियल हो गया हार्मोनी ऑसिलेटर हो गया हार्मोनी ऑसलेटर के लिए हाफ हार्मोनिक फुल फुलमोनी इन इन्फाइन पोटेंशियल वेल के लिए तुम्हारा सिमेट्रिक इन्फेन पोटेंशियल वेल एसमेट्रिक इन्फेन पोटेंशियल वेल एसिमेट्रिक इन्फेन पोटेंशियल वेल में कब साइन आता है जब एन इक्वल्स टू इवन कब कॉस आता है जब एन इक्वल्स टू वॉट फिर डिरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल के लिए स्कैटरिंग स्टेट बाउंड स्टेट फिर मेरा फाइनाइट पोटेंशियल वेल है फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर है उनके लिए स्कैटरिंग स्टेट uh, उनके लिए ट्रांसमिशन कॉफिशन रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट और uh, जब ई इज लेस देन वी नॉट ई इज ग्रेटर देन वी नॉट ये दो केसेज आते हैं दो केस में दो अलग अलग फार्मूलेज आते हैं ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कॉफिशन के लिए ये सारे फार्मूला याद कर लेना ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी बात स्टेप पोटेंशियल की अगर बात कर रहे हो तो डेफिनेटली स्टेप पोटेंशियल में कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिब्रॉल मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ दे दिया है स्टेप पोटेंशियल के लिए कभी पूछ लेता है कि मान लो एक पार्टिकल है जो पार्टिकल ऐसे एक पोटेंशियल मूव कर रहा है दिस इज योर वी नॉट इस टाइम यहां पर डिब्रॉल बोल दिया गया है यहां पे पूछा गया है या ऐसा काइंड ऑफ क्वेश्चन स्टेप पोटेंशियल से पूछते हैं कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज द पेनिट्रेशन डेप्थ तो उसका जो फॉर्मुल होता है ये सब चीजें तुम लोग को आना चाहिए दूसरी बात अगर मान लो तुम फाइनेट पोटेंशियल वेल भी पढ़ रहे हो तो फाइनेट पोटेंशियल वेल के लिए कितने कितने नंबर नंबर ऑफ ऑफ इवन स्टेट स्टेट आते आते हैं कितने आते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर के लिए तुम लोग को पता होगा यूजअली जब हम लोग सोल्यूशन ड्रॉ करते हैं तो इवन के लिए एंड ऑट के लिए ऐसे ऐसे सोल्यूशन आते हैं ना इवन के लिए, के लिए ऐसे ऐसे सोल्यूशन आते हैं मोस्टली अगर तुम्हारा इवेंट uh, सोल्यूशन आएंगे तो वो शुरू होता है जीरो से वो जीरो से शुरू होता है जब तुम ऑर्ड सोल्यूशन की बात करते हो तब शुरू होता है पाई बाई टू से तो पाई बाई टू प्लस थ्री पाई बाई टू देन फाइव पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू लाइक दिस वे अब मान लो तुम्हें एक पर्टिकुलर रेडियस बोल दिया गया है तो वो रेडियस ऐसा आएगा यहाँ पे वो रेडियस मान लो ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे एक ऑर्ड सोल्यूशन मिला है दो इवेंट सोल्यूशन मिला है तो कैसे इन चीजों को काउंट करने है उसका जो तरीका है आर का वैल्यू आर का जितना मुझे याद आ रहा है दैट्स द फॉर्मूला तो ये जो सारे है ये अगर तुम अभी नहीं याद करोगे तो ये कभी नहीं हो सकता नाउ इज द टाइम कि कुछ नया शुरू मत करो जो जो चीज तुमने पढ़ा है उसके फॉर्मुलस को बार 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 याद करो जैसे कि मान लो अगर हम लोग पार्टिशन कर रहे हैं

नॉन डिजेनरेट पार्टिवेशन थ्योरी टाइम इंडिपेंडेंट में जब नॉन डिजेनरेट पार्टिशन थ्योरी आता है तो ये तीन फॉर्मूले यूज करते हैं जब डीजेंट पार्टिवेशन थ्योरी आता है हम सेकुलर मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं कैसे सेकुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना होता है सेकुलर मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद उसके जो वैल्यूज होते हैं वही मेरे डीजेंट पार्टिवेशन थ्योरी के करेक्शंस होते हैं उसके बाद आइडेंटिकल पार्टिकल्स में कैसे स्लैटर डिटर्मिनेंट लिखे जाते हैं अगर तुम्हें एक पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन दे दिया गया उसके लिए स्लैटर डिटर्मिनेंट कैसे लिखोगे ये सब चीज़ जाना बहुत जरूरी है फार्मियोनिक के लिए टोटल सिस्टम एसिमेट्रिक है बोजोनिक के लिए टोटल टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक है अब अगर मान लें स्पिन वेव फंक्शन ट्रिपिल स्टेट में है तो वो पहले से ही सीमेट्रिक है तो स्पेशल को एसिमेट्रिक बनाना है टू गेट द टोटल वेव फंक्शन एसिमेट्रिक अगर मान ले स्पिन वेव फंक्शन तेरा सिंगलेट में है तो यू हैव टू मेक द स्पेशल स्टेट टू बी सिमेट्रिक टू गेट द टोटल वेव फंक्शन टू बी एसिमेट्रिक ये सब चीजें अगर मान लो आठ बोजॉन्स दे दिया उसे कैसे तुम सजाओगे अगर मान लो आ, एट दे दिया उसे कैसे सजाओगे तो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ये एक पैटर्न है भाई क्वेश्चन का इसके बाहर कुछ पूछ नहीं सकते मोस्टली इसी के ही ऊपर थोड़ा इधर उधर थोड़ा इधर उधर, उधर करके देंगे अब इन सब चीजों से अगर तुम अभी तक भी वाकिफ नहीं हो तो इन सब चीजों को बहुत जल्दी से बहुत जल्दी से जितना जल्दी हो सके रिविजन करने की कोशिश करो और पी वाई क्यू सॉल्व करने की कोशिश करो अगर इतना तुम कर लेते हो तो फिर तुम्हारा एग्जाम से एग्जाम क्लियर होने में कोई नहीं रोक सकता बाकी जो चीजें हैं जैसे कि मान लें टाइम डिपेंडेंट पटेवेशन थ्योरी टाइम डिपेंडेंट पटेवेशन थ्योरी वेरिएशनल मेथड्स के एक ही फॉर्मला है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो और उसको मिनिमाइज करो दैट्स ऑल जे डब्ल्यू के भी अप्रॉक्समेशन कहाँ कहाँ यूजली जेडब्ल्यू के लोग बीटा वन बीटा टू निकालने में थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं यूजली देख लेना कि जहाँ पे पोटेंशियल तुम्हारा इन्फिनटी है वहाँ पे बीटा का वैल्यू जीरो हो जाता है जहाँ पे पोटेंशियल फाइव में बीटा के वैल्यू पाई बाई फोर होता है उसके बाद कुछ बच्चे हैं कि ट्रिक से जेडब्ल्यू के भी याद रखने की कोशिश करते हैं मत करो क्योंकि मत करो कुछ चीजों का ट्रिक नहीं जानना चाहिए मैं हमेशा इस चीज पे ज्यादा ध्यान देता हूं कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए लास्ट मोमेंट पे जाके अगर तुम्हें वो नहीं करा है तो तब तुम ट्रिक देख सकते हो बट अभी तो तुम्हारे पास टाइम है तो जैसे कि टाइम है तो थोड़ा बहुत उसको देख लो कि हाँ इसको ऐसे 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 करते हैं क्योंकि अगर टोटल एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोला गया तो तुम वहां पर फंस जाओगे वो ट्रिक से नहीं होगा

बस उतना ही देखो इवन uh, कुछ क्वेश्चंस जो है मैं तो बोलूंगा कि सीएसआर में इतनी बार रिपीट हुआ है मतलब मैंने जब पढ़ाने जाता हूँ और बच्चों को मैं पी वाई कराता हूँ तब मैं उनको मार्क करवा देता हूँ कि देख ली क्वेश्चन सीएसआर इतने इसमें भी आया था इसमें भी आया है यूजली जेडब्ल्यू के भी मैंने बहुत बार देखा है तो उन सारे क्वेश्चंस या उन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस यूजुअली वेरिएशनल मेथड जब कर रहे हो तब तुम लोग कैसे वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करोगे कैसे एनर्जी का एक्सपेक्टेशन निकालोगे इसके कुछ स्टैंडर्ड वेव फंक्शन है जैसे कि मान ले तेरा जो गॉसियन वेव फंक्शन है या जो वेव फंक्शन है थोड़ा ऐसा दिखता है कैपिटल ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्स एक्स जो वेव फंक्शन है इसके लिए कांस्टेंट आता है ये सब चीजें तो एग्जाम हॉल में बैठ के नहीं कर सकता ये चीजें घर से ही देख के जाना है वहां तो 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 तुम्हें देखना है कुछ इंटीग्रेशन है, है, तो है बाकी तो सब्जेक्ट के बारे में तुम लोग पढ़ ही रहे हो और बाकी हमारे फैकल्टीज भी है वो लोग भी वीडियोस बना देंगे एग्जाम मैपिंग सीरीज में बताया जा रहा है बार बार करके कि कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है फिलहाल ऐसे ही पढ़ते रहो कुछ बच्चों के मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आए थे कि सर एक बार आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में रैंडम वॉक पढ़ा दो तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में रैंडम वॉक का लेक्चर लेके मैं बहुत जल्दी आप लोगों के पास आ रहा हूं उसके लिए मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट कर दूंगा कि किस डेट पे वो होने वाला है कब होने वाला है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो यूजअली मैं तीन साढ़े तीन घंटे का एक लेक्चर ले लूंगा जिसमें पूरा रैंडम वॉक एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से कर दिया जाएगा और पूरा रैंडम वॉक के जो सारे पी क्यूज है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कर दिया जाएगा और आपको रैंडम वॉक के लेके कोई टेंशन ही नहीं रहेगा तो जो भी क्वेश्चन अगर तुम कर सकते हो ठीक है सो फॉर नाउ दिस इज़ इट दैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करो हम लोग तुम्हारे साथ हैं कुछ डरने की जरूरत नहीं है ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ तेरे अकेले का नहीं है हमारा भी है हमने जो पूरा ये साल पढ़ाया है तो उस उस चीज़ का भी एक इम्तहान है ये तो सब साथ मिलके हम लोग एफर्ट लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है ठीक है ऑल द बेस्ट चलो